हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ चुके हैं आपके लिए नई वीडियो लेके। पिछली वीडियो में हमने जैसे पूरा कवर किया था, बेसिक डेडलिफ्ट टेक्निक्स वाला पूरा कवर किया था। इस वीडियो में हम आपको पूरा वो जो सपोर्टिंग मसल्स वाला जो पार्ट रह गया था वो बता देंगे, इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आज संडे है, जैसे कि आज मेरा डेडलिफ्ट सेशन है, पहले मैं अपना डेडलिफ्ट सेशन आपको दिखाता हूँ अच्छे से। डिटेल्ड मैं नहीं दिखाऊंगा, इन शॉर्ट दिखाऊंगा पूरा। तो उसके बाद मैं आपको इन डिटेल सब कुछ बताऊंगा, कैसे कैसे, मतलब मैं ये लिस्ट बना के लेके आऊँगा। आज 6-7 एक्सरसाइजेज हैं, सब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। गाइस, डीओपी कन्नू के साथ आशीष कुमार स्टार्ट कर चुके हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे। पहला सपोर्टिंग मसल हम बेसिकली ट्रेन करेंगे मिड बैक। हमारी पहले एक्सरसाइज है आपकी वन आर्म डंबल रोइंग। तो इसको अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना, नीचे वाली साइड को, ऊपर वाला हमने इंक्लाइन ही रखना अपने हिसाब से। सेफ्टी फर्स्ट, पहले बैटल लगाएंगे। तो बेसिकली फॉर्म बता देता हूँ मैं, आपने करना क्या है, अपनी एक लेग जो आपकी मतलब की सपोर्टिंग लेग है, सबसे पहले आप किस साइड से का ट्रेन कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपको लेफ्ट से करके दिखा रहा हूँ इस साइड से, तो आपने अपनी राइट वाली लेग को एक टेबल के ऊपर, एक टेबल सपोर्ट के ऊपर फिक्स करना है, और एक आर्म को उसकी अपर राइट पोजीशन में फिक्स करना है। यहाँ पे आपने इसको आर्म को फिक्स कर दिया, पैर को नीचे फिक्स कर दिया, नीचे एक डंबल रखना है। आप इसको फ्री भी मार सकते हो, मतलब फ्री रोइंग भी कर सकते हो आप लोग, किसी जगह पे टेक लगा के वैसे भी कर सकते हो, पर ये सेफर पोजीशन है। इसमें क्या, आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो आप बिना इंजरी के। बेसिकली आपने इसका एंगल कैसे, ऊपर वाली साइड का एंगल कैसे टेस्ट करना है कि आपकी जो बैक है 180 डिग्री टू द फ्लोर होनी चाहिए, सीधी बिल्कुल। आपने डंबल को पकड़ना है। रोइंग टेक्निक आप ध्यान से देखो, रोइंग आपको करनी कैसी है। सबसे पहले आपने डंबल को पकड़ा, पीछे वाले पैर की सपोर्ट ली, रोइंग आप 1-1.5 सेकंड का होल्ड, डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये थी पहली एक्सरसाइज, इसके आपने लगाने हैं 3-4 सेट का सकते हैं आप लोग, अपने हर एक वर्कआउट में ऐड कर लो इसके 3-4 सेट। तो ये आपकी मिड बैक को ग्रो करेगा अच्छे से, और आपकी जो स्लैक पुल वाली टेक्निक होती है उसमें हेल्प करेगा। तो गाइस, हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वन आर्म केबल रोइंग। उसके अंदर हमने क्या करना है, बेंच को मीडियम हाइट पे सेट करना है, और आगे वाला पोर्शन उसका मैक्सिमम हाइट पे सेट करना है। केबल को टॉप या फिर एक स्टेप नीचे वहाँ पे सेट करना है, जैसे कि मैंने टॉप पे सेट किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, केबल को लिया नीचे। गाइस, आपने हाथ से वेट नहीं पुल करना है, आपने अपनी एल्बो से वेट पुल करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये राइट हैंड से आपको विजिबल नहीं होगा, मैं लेफ्ट हैंड से भी करके दिखाता हूँ आपको। आपने हैंडल को ग्रैब किया अपने हाथ से, उसके बाद क्या करना है, आपने लैड को पूरा फ्लेक्स करना आगे, पूरा एक्सटेंड कर रहे, अपने लैड को पूरा खोला आगे तक। उसके बाद उसको पूरा रिट्रैक्ट करना है नीचे को, पूरा नीचे तक आना है, फिर रिलैक्स, फिर रिट्रैक्ट नीचे तक। तो गाइस, इस एक्सरसाइज के आपने मार रहे हैं 3-4 सेट, मैक्सिमम रेपिटेशन 10-12, उसे याद नहीं आना। 3-4 सेट मार रहे हैं, ड्रॉप सेट भी मार सकते हैं। इससे आपकी मिड और अपर बैक की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, और जो डेडलिफ्ट के टाइम पे आपकी जो इंगेजमेंट लेने शुरू कर देगी अपर बैक। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। उस दिन रात हो गई थी बड़ी ज़्यादा, तो आगे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी, वो वन आर्म रोइंग केबल रोइंग। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे आर्म वॉक में। आपको मैं बेसिक बता देता हूँ क्या, आप जैसे हमारे पास वहाँ पे प्लेट्स पड़ी है 20-20 वाली, प्लेट्स को छोड़ के आप लोग और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डंबल यूज़ कर सकते हो, जैसे वो जो डेडलिफ्ट वाले रैक्स होते हैं बड़े वाले, उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर्मर वॉक बेसिकली होती क्या, आपने दोनों हाथों में बराबर वेट पकड़ना है, इक्वल वेट पकड़ना है, और मूव करना है, चलना, मतलब एक दूसरे, उसके फायदे बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। फार्मर वॉक रेगुलरली करने से आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़िया इंक्रीज हो जाएगी, ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आपके शोल्डर लोड लेने शुरू कर देंगे, अपर बैक में लोड लेना शुरू कर देगा धीरे धीरे।
तो ये एक एसेसरी ऐसी इंपॉर्टेंट एसेसरीज के अंदर जिसको आप ऐड कर सकते हो अपनी डेडलिफ्ट इंक्रीज करने के लिए। तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है आपने। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मेरे पास 20-20 की प्लेटें हैं तो मैंने उनको लिफ्ट कर दी साइड पे। मतलब कि आपने ऐसे भी नहीं कि शोल्डर को श्रग करके रखना, अगर आप ऊपर वाली पोजीशन में लॉक करके रखेंगे तो श्रग्स हो गए टाइप के, श्रग्स नहीं करने आपने। अपने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में नीचे शोल्डर को रिट्रैक्ट करके नीचे छोड़ना है, मतलब जैसे कि आप घर पे सिलेंडर उठाते होंगे कुछ भी, जैसे घर पे वेट उठाते हो ना उसी हिसाब से वेट उठाना है। ऐसे भी नहीं कि कुछ ज्यादा ही शोल्डर इंगेज करने शुरू कर देने, ऐसे नहीं करना। मेन आपने इसमें जो वेट उठाना है वो उठाना है फिंगर से, ताकि फिंगर स्ट्रेंथनिंग हो आपकी। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली वॉक करनी है आपने। ये अभी बड़ा लाइट वेट है, आप इसमें हैवी भी जा सकते हो, ये भी लाइट वेट है, मैंने लाइट वेट यूज़ किया बिल्कुल आपको दिखाने के लिए। आप इसके अंदर जितना हैवी जा सको उतना हैवी जाओ। तो गाइस फोर्थ एसेसरी है हमारी पेंडले रोज। पेंडले रोज के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली आपने रॉड के साथ साइड साइड में वेट डाल के, बेसिकली वेट डाल के आपने रोइंग करनी है एक टाइप की। पेंडले रो की फॉर्म और फायदे आपको बता दूँ। पेंडले रो का पहला फायदा है कि आपकी जो मिड बैक है वो स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी। मिड बैक इंगेजमेंट बड़ी हाई रहती है जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, जिनकी मिड बैक स्ट्रांग होती है वो अच्छा पुल कर पाते हैं। मतलब कि जो मिड बैक का काम क्या है, जो आपकी ज़मीन से जो वेट उठाना है स्लैक पुल जिसको बोलते हैं, वो मिड बैक इंगेजमेंट ज़्यादा होती है उसके अंदर। और आपकी मिड बैक स्ट्रेंथन होगी तो वेट पुल करना बड़ा आसान हो जाएगा और लॉकआउट में भी आपको अच्छी मदद देता है वो। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली आपने करना क्या है। मैक्सिमम बंदों की रोइंग की फॉर्म ये होती है, जैसे उन्होंने बार पकड़ी उठाई और ऊपर जाके ये रोइंग करते हैं मैक्सिमम में। आपने इसमें यही नहीं करना, बस आपने बेसिकली करना क्या है, अपनी रॉड को उठाना है और बैक को लेना 180 डिग्री डाउन, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जैसे कि ये। इससे हुआ क्या, जो आपकी मिड बैक की इंगेजमेंट है वो इंक्रीज होगी। अगर आप इसी से जैसे इस फॉर्म में मारेंगे अगर आप, तो आपकी अपर बैक की इंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आप 180 डिग्री फ्लैट कर देंगे ग्राउंड के साथ में, 90 डिग्री एंगल बना देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मिड बैक की इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट ऑन स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन के मैंने आपको पिछली वीडियो में फायदे बता दिए थे कि प्लेसमेंट पर आप लोग डेडलिफ्ट करते हैं वो बड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी और आपके क्वाड मसल बड़े स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली आपकी जो डेडलिफ्ट की डेप्थ है उसको भी इम्प्रूव करेगी और क्वाड मसल को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको करना कैसे। सबसे पहले आपने बार को पोज किया, बार के नीचे बार को पकड़ा, उसको लिया पैर में, पता ही होता। अब आपने अपनी फुट की प्लेसमेंट वो रखनी है जो आप डेडलिफ्ट के टाइम पर फुट की प्लेसमेंट रखते हैं। जैसे कि मेरी डेडलिफ्ट पोजीशन ये है, अब मैं इसके ऊपर करूँगा स्क्वाट। मैंने इसके ऊपर वेट नहीं डाला क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप इसके ऊपर ज़्यादा हैवी भी नहीं आना, ज़्यादा स्लो भी नहीं आना, मैक्सिमम आपके 10 रैप आ जाए उतना वेट डालना है और करना है स्क्वाट। नीचे जाके किया होल्ड, देन अप होल्ड। जो होल्ड है इसका वो आपने अपने घुटनों के लेवल पे आके होल्ड करना है, बेसिकली 1-2 सेकंड का। उसके बाद आप जैसे कि इसी एक्सरसाइज की इतनी इंपॉर्टेंस है मैं अपने लिए बता दूं। मेरी डेडलिफ्ट इंक्रीज करने में इसका बड़ा बड़ा हाथ है। मेरी क्वाड मसल को इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, हैमस्ट्रिंग को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, जिससे मेरी डेडलिफ्ट में इंगेजमेंट है वो बहुत इंक्रीज होगी सपोर्टिंग मसल्स की। ये बेसिकली एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसके अंदर आपकी मल्टीपल मसल्स इंगेज हो रही हैं। इसमें आपका फायदा, पहला फायदा ये है कि आपकी जो डेडलिफ्ट का स्टांस है वो बड़ा इंप्रूव हो जाएगा, डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी और क्वाड मसल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। एक मशीन हमारे पास ये है, कर्ल्स की मशीन है बेसिकली ये, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए। आप लोग इसको भी लगा सकते हैं, हर एक जिम में होती है बेसिकली ये, तो सबको ही पता होता है कि अंडरस्टूड है कि इसके कैसे लगाना है। इसमें आप अपने क्वाड मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये इतनी भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मशीन, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो इसे भी आप लगा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग, जो बेसिक बिगिनर्स है ना उनकी स्ट्रेंथनिंग, क्वाड स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग की इंगेजमेंट बड़ी कम होती है, तो वो उसको डेवलप मसल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इस मशीन को। इसके 3-4 सेट लगाएं अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। तो गाइज हम लोग आ गए हैं सबसे ओवररेटेड मशीन हर एक जिम की, जिसको बोलते हैं लेग प्रेस, जिसके अंदर बंदे भर भर के ईगो लिफ्टिंग करते हैं, पर हम नहीं करेंगे। इस मशीन को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ हैमस्ट्रिंग डेवलपर।
हम अपने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं इसी मशीन से बड़ी अच्छी तरह, जो डेडलिफ्ट में हमारी बड़ी अच्छी मदद कर सकती है। बड़े ईगो लिफ्टिंग करते हैं, मैं बता दूँ, मेरा दोस्त है एक कवि वो बंदा इतना सा 5'2" का, तो वो वेट उठाता 300 किलो, जिसको कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल आम मोमेंट्री उसके पैर की कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, तो ऐसे थोड़ा सा गुटरा गुटरा बंद कर लेगा, उठा लेगा, बोलेगा वाह भाई मैं तो 300 किलो मारता हूँ। तो ऐसे फोड़े मारने वाले बड़े बड़े बंदे होते हैं जिमों के अंदर, तो उनसे आपने बचना है। आपने कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे आपकी इंजरी हो। फुकरे बड़े ज्यादा होते हैं, आपने फुकरा नहीं बनना है नहीं मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ, कवि भैया नहीं है, इसका असली नाम क्या, केपी काव्य प्रताप, मिस्टर कॉन्वेंट वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, केपी तुझे बोल रहा हूँ, कहीं वहम में हो। तो हम लोग बताते हैं आपको करना क्या। आपने बेसिकली आपने अपने पैरों को, मतलब कि इसके अंदर आप ना शूज नहीं डालो, तो अच्छा मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, लाइट वेट है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। शूज मत ही लगाओ, जैसे कि मैंने आपको स्मिथ मशीन पे भी जो करके दिखाया उसको भी आप बिना शूज के करो, बेयर फुट करो, क्योंकि डेडलिफ्ट आपने बेयर फुट ही करनी होती है, या फिर जो फ्लैट सर्फेस वाले शूज होते हैं उसके ऊपर लगानी होती है। आपने अपने पैरों को वाइड रखना, जितना वाइड हो सकता है, जो फुट की फ्रंट प्लेसमेंट है वो होनी चाहिए बाहर को, दोनों फीट की फ्रंट प्लेसमेंट बाहर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये रखे हुए हैं, और इसको लाना बिल्कुल नीचे। कब तक नीचे लाना है, मैक्सिमम बंदों को पता नहीं होता कि वेट जो ऊपर वाला लेवल है उसको कब तक नीचे लाना है। तब तक नीचे लाना है जब तक आपका हिप टूटना शुरू ना हो जाए, जिस लेवल के आपका हिप टूटना शुरू हो गया उस लेवल से आपने ऊपर ले जाना इसको। और पैर पूरे नहीं खोलने, तो सबको ही पता होता है पैर पूरे खोलोगे मुंह में बजेगा जूता, पैर टूट गए, पूरा एक्सटेंड किया नीचे आए, जिस लेवल पे आके आपके ग्लूट्स इंगेज होने शुरू हो जाएंगे, उठने शुरू हो गए, उस लेवल से आपने ऊपर चल जाना। इसके अंदर आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। हैवी वेट, जैसे मैंने आपको बताया, हैवी वेट नहीं लगाना ज़्यादा, इतना वेट लगाना जिससे आपसे 10 से 15 रेप आ जाए। आपने इसके 3 से 4 सेट करने हैं। अब हर हफ्ते हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा इंक्रीज होएगी। अगर आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग इंगेजमेंट है डेडलिफ्ट के अंदर, तो आपका आपकी डेडलिफ्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी। बेसिकली सुमो डेडलिफ्ट तो बहुत जल्दी इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी। तो गाइज आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वाइड आर्म रोइंग। वाइड आर्म रोइंग बेसिकली आपकी टारगेट करती है मिड बैक को। इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, एक वाइड हैंडल लेना है, उसके अंदर उसको एक हाइट भी सेट करना है इक्वल टू योर वेस्ट, वेस्ट की हाइट पे उसको उसकी हाइट सेट करनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी कैसी है मैं बता दूँ, पूरा आगे तक स्ट्रेच लेना, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर पूरा स्ट्रेच, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है, बेसिकली आपकी जो मिड बैक इंगेजमेंट है वो बड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपकी मिड बैक डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी डेडलिफ्ट अल्टीमेटली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको बेसिकली सारे सपोर्टिंग मसल्स डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आप इसको अपनी जो रेगुलर आप डेडलिफ्ट की सेशंस है उसके अंदर ऐड करें, आपको डेफिनेटली फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर फ़र्क, अगर मेरे को फ़र्क दिख सकता है तो आपको तो ज़रूरी दिख सकता है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ली हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के रख लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम। ये जो इन्होंने हक लाया बीच बीच में ये हक आएंगे, ये नहीं डालेगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि कैमरा मैन हमें।